जी हाँ दोस्तों, क्या सुरेश रैना वापसी करेंगे या नहीं, इसको लेकर बड़ी खबर सामने आई है। बता दें कि बीते दो मुकाबले चेन्नई सुपर किंग्स बुरी तरीके से हारी है, जहां पर मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से साथ नहीं दे रहा टीम का, तो वहीं ओपनिंग बैट्समैन भी टीम के साथ नहीं है। तो वहीं जहां दुनिया के बेस्ट फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी से जिस प्रकार से उम्मीद की जा रही है बल्लेबाजी की, वो उस उम्मीद पर खरे नहीं उतर पाए हैं। तो दोस्तों बता दें, सुरेश रैना की वापसी को लेकर क्या खबर सामने आई है। आईपीएल के दूसरे सबसे कामयाब बल्लेबाज सुरेश रैना कुछ खास कारणों की वजह से सीजन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। सीएसके के सीईओ ने कहा है कि रैना ने सीजन के लिए खुद को उपलब्ध नहीं बताया है। हम रैना के फैसले का सम्मान करते हैं, ऐसा सीईओ कहते हैं, तो वह रैना को वापस लेने के बारे में विचार नहीं कर रहे। सीईओ ने सीएसके की जोरदार वापसी का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि हमारे टीम को फैंस सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, हम उन्हें विश्वास दिलाते हैं कि सीएसके की टीम इस सीजन में जोरदार तरीके से वापसी करेगी। भले से ही कुछ मुकाबले हार चुकी हो, लेकिन वो वापसी करेगी। हम फैंस के चेहरे पर खुशियाँ जरूर वापस लाएंगे। सीएसके के सीईओ ने अंबाती रायडू की पुष्टि कर दी है कि सीईओ का कहना है कि रायडू 2 अक्टूबर को खेले जाने वाले मैच के लिए पूरी तरीके से उपलब्ध रहेंगे। रायडू की चोट की वजह से पिछले 2 मैच नहीं खेल पाए हैं, लेकिन दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए सुरेश रैना मिडिल ऑर्डर भी संभाल लेते थे, और अगर ओपनिंग बल्लेबाज भी डामाडोल हो जाते थे तो सुरेश रैना नाम ही याद आता था। जब भी मैच कहीं फंसता था तो सभी को और महेंद्र सिंह धोनी को एक ही नाम याद आता कि रैना है ना। अगर रैना आएंगे तो बल्लेबाजी संभाल लेंगे, और जब उनके साथ धोनी या जडेजा शामिल होते थे तो बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिला ही देते थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की इस समय चिंता काफ़ी बड़ी हुई है। अंबाती रायडू पिछले 3 मुकाबले जहां हुए हैं उसमें सिर्फ एक ही मुकाबला खेले हैं, और जिन 2 मुकाबलों में नहीं खेले हैं उन 2 मुकाबलों में टीम का हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में इतना असरदार साबित नहीं हुए जितना पहले होते थे। तो साफ नज़र आ रहा है कि सुरेश रैना की टीम की कमी खल रही है, लेकिन उनकी कमी पूरी कर रहे थे अंबाती रायडू, और अंबाती रायडू की वापसी अब खबर सामने आ चुकी है। अंबाती रायडू की वापसी को लेकर अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे खुलकर कि उनकी वापसी में क्या हमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ और बड़ी खबरों के साथ सुरेश रैना से जुड़ी होगी, उनसे लेकर आपके लिए बहुत जल्द हाजिर होंगे। यानी कि सीईओ ने साफ कर दिया है कि इस सीज़न में सुरेश रैना खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, लेकिन फैंस अब भी उम्मीद लगाए रखें कि क्या पता वापसी कर जाएं, क्योंकि दोस्तों कुछ 54-53 दिन का मुकाबला बताया जा रहा है, और सुरेश रैना अगर वापसी करते भी हैं तो अब इतने दिन बीत चुके हैं, उस दिनों के अंतराल के बीच में सुरेश रैना कब वापसी करेंगे, कब अपना क्वारंटाइन पीरियड जो कि करीब 14 दिनों का होता है या 7 दिनों का होता है उसको बिताएंगे, फिर अपनी प्रैक्टिस करेंगे, फिर अपनी कोरोना रिपोर्ट्स और कोरोना नेगेटिव पाए जाने का इंतज़ार करेंगे, तब तक तो ये सीज़न निकल जाएगा। तो सुरेश रैना की वापसी इस सीज़न में असंभव बताई जा रही है। ये फैंस के लिए काफ़ी निराश करने वाली खबर है, लेकिन यही सच है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स से दीपक की रिपोर्ट।